हिंदू संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गोपाष्टमी पर्व गाय माता को समर्पित है। जिला सोलन में भी गोपाष्टमी पर्व की धूम देखने को मिली। लोगों ने पूजा अर्चना कर गाय माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हिंदू संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गोपाष्टमी पर्व गाय माता को समर्पित है। जिला सोलन में भी गोपाष्टमी पर्व की धूम देखने को मिली। लोगों ने पूजा अर्चना कर गाय माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि इस दिन श्री कृष्ण और गाय माता की पूजा करने से धन और सुख की प्राप्ति होती है। वज्र में कहा गया है कि यशोदा मैया ने गोपाष्टमी पर पहली बार श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजा था। गोपाष्टमी अथवा दीनू पूजा के लिए नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजा था। गोपाष्टमी पर पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। भी आश्रय गौशदन सोलन के कार्यक्रम के संयोजक अविनाश शर्मा और अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि 4 साल पहले इस गौशदन की स्थापना की गई थी, जिसमें करीब 70 गाय हैं, जो कि लोगों द्वारा बेसहारा सड़कों पर छोड़ी जाती हैं, उनकी देखभाल की जा रही है। वही उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी के पर्व पर लोगों ने गौ माता की पूजा की है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, लेकिन वे लोगों के सहयोग से गौ सदन को बेहतर ढंगों से चला रहे हैं। आश्रय गौ सदन जो है ये यहाँ जो नया स्थापित हुआ था, इसमें 4 साल हो गए हैं। और आश्रय गौ सदन का मेन जो हमारा पर्पज क्या है कि लोगों द्वारा जो छोड़े गाय, जितने गाय पशु जो भी सड़कों में, उनको इस आश्रय गौ सदन में ला के हम लोग उनकी देखभाल करते हैं। और हमारा जो आश्रय गौ सदन है, ये स्वयं सेवक जो हम लोग खुद की उससे चला रहे थे, बाकी इसमें सोलन की जनता का सहयोग रहता है। इसमें सरकार से हम कोई भी सहायता नहीं लेते, ना सहायता हमारे को मिलती है। और आश्रय गौ सदन में इस समय जो है कुछ लगभग 70 गाय है, जिसकी हम लोग देखभाल कर रहे हैं। आश्रय गोपाष्टमी के मौके पे जैसे हवन का प्रोग्राम हुआ, हवन हुआ, और जो जितने भी लोग आए गाय की जो है, उन्होंने गाय को आज जैसे हरा घास है, और दूसरा ये गोपाष्टमी में होता है पूजन हुआ, पंडित जी ने पूजन करवाया, इस पे पूजन हवन में हुआ। हवन में जितने भी गाय के सेवक है और दूसरे शहर के लोग यहाँ उपस्थित हुए। आगे का जो हमारा भविष्य का प्रोग्राम हमारा ये है कि इस जो ये गौशाला है यहाँ, इस गौशाला को हम एक वर्कशॉप के तौर पर यहाँ जैसे गोमूत्र है, दूसरे जो गाय के जितने भी गाय के से प्रयोग होते हैं, जैसे गोबर है, गोबर का उपयोग करना, गोमूत्र का उपयोग करना, इस तरह का हम यहाँ इसका प्रयोगशाला शुरू करना चाह रहे हैं आने वाले समय में। और हम तो मैं तो एक संदेश सबको देना चाहूँगा, जितने भी हमारे लोग हैं, कि गौ माता की सेवा करें, गौ माता को सड़कों में छोड़े, क्योंकि सड़कों में गाय गौ माता को छोड़ने से बहुत ही नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और बल्कि हमारे यहाँ बहुत ही कई गाय एक्सीडेंटल गाय आती है। अभी एक गाय है बल्कि यहाँ हमारे जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इसी तरह से एक गाय 2 महीने से हमारे पास जो एक्सीडेंट में जिसको हमने यहाँ है। तो मेरा यही लोगों से आग्रह रहेगा सबसे कि गाय जैसे हम हमारे पूर्वज पहले से जो गाय की सेवा करते थे, गाय की सेवा की जाए। ये नहीं गाय को सिर्फ दूध के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, गाय है, गाय के दूध के अतिरिक्त भी बहुत चीजें गाय से हमारे को प्राप्त होती है, जिसमें हमें लोगों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और लोग हमें पूर्ण सहयोग की बातें कर रहे हैं और हमें पूर्ण सहयोग भी दे रहे हैं, जिससे कि गौशाला का पालन पोषण हो रहा है। और मैं सभी का आपके माध्यम से गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पे सभी सोलन वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।